हाय प्यारे बच्चों, मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा आठ के समस्त छात्र छात्राएं, आप लोग मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में क्लास एट इंग्लिश टेक्स्ट बुक लेसन 9 टू स्कूल बॉयज एंड द शॉपकीपर, दो विद्यालयी लड़के और एक दुकानदार, इस लेसन से संदर्भित पिछले कुछ पैराग्राफ का अर्थ आप लोगों ने देखा। आइए उसी कड़ी में हम अगली पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इसके पहले आप लोगों ने क्या देखा कि मोहित और सुनीत नामक दो बच्चे थे जो कि क्लास 9th में पढ़ते थे। वे दोनों बच्चे अपने विद्यालय की टीम के सदस्य थे और दोनों बड़े होकर एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन एक बार की बात है, विद्यालय में खेल रहे थे सब, उसके बाद उन लोगों को भूख और प्यास लग गई, लेकिन दोनों लोगों के पास केवल 10 ही रुपये थे और उन लोगों ने सोचा कि आखिर 10 रुपये में हम लोग क्या खरीद पाएंगे। यह सोचना बहुत ही कठिन काम हो गया था। एक लड़के को संतरा सोडा पसंद था और दूसरे लड़के को रूट बियर पसंद था, लेकिन उसमें एक लड़का कैंडी बार में पीनट्स खाना पसंद नहीं करता था, लेकिन दूसरा वाला लड़का पसंद करता था। समीप में ही एक किराने की दुकान थी, वे लोग सोचे कि चलो वहीं चलते हैं। उन लोगों ने सोचा कि एक जो है सोडा उठा लेगा और दूसरा कैंडी बार उठा लेगा, लेकिन समस्या उन लोगों के पास थी कि अगर ये दोनों लोग ले लेते हैं तो एक भूखा रह जाएगा और दूसरा प्यासा रह जाएगा। इसी सोच में आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। मिस्टर छाबड़ा वाज द स्टोर ओनर, मिस्टर छाबड़ा श्री छाबड़ा वाज थे द स्टोर ओनर, माने दुकान के मालिक, स्टोर माने किराने वाली जो दुकान है। मिस्टर छाबड़ा वाज द स्टोर ओनर, मिस्टर छाबड़ा दुकान के मालिक थे। ही हैड नो यूज फॉर किड्स, ही वह या उनके हैड पास में रखना, नो नहीं, यूज माने उपयोग करने का, फॉर किड्स माने बच्चों के। ही हैड नो यूज फॉर किड्स, उनके दुकान पर बच्चों के उपयोग के लिए कोई सामान नहीं था। हिज आईज नैरोड एज ही सा द बॉयज अप्रोचिंग द स्टोर, हिज माने उनकी आईज आँखें, नैरोड माने संकुचित होना, चढ़ जाना, चौड़ी हो जाना, लेकिन नैरो संकुचित होता है। एज माने जैसे ही, माने वह, सा माने देखे, द बॉयज माने लड़कों को, अप्रोचिंग माने आते हुए, द स्टोर माने दुकान पर। हिज आईज नैरोड एज ही सा द बॉयज अप्रोचिंग द स्टोर, उनकी आँखें संकुचित हो गई, तन गई, चौड़ी हो गई, जब उन्होंने लड़कों को अपने दुकान की तरफ आते हुए या लड़कों को अपने दुकान के अंदर घुसते हुए देखा। तो यह रहा पैराग्राफ। अब आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं। आफ्टर दे इंटर द स्टोर, मोहित वॉक्ड ओवर टू द बिग फ्रिज दैट वाज फिल्ड विथ आइस एंड सोडाज। आफ्टर बाद में, दे माने वे, इंटर्ड माने प्रवेश करने के या घुसने के, द स्टोर माने दुकान, मोहित वॉक्ड माने गया या ओवर माने समीप, द बिग माने बड़े, फ्रिज माने फ्रिज के, दैट माने जो, वाज माने था, फील्ड माने भरा हुआ, विथ माने से, आइस बर्फ एंड और सोडाज सोडा से। आफ्टर दे इंटर्ड द स्टोर,
दुकान में घुसने के बाद मोहित वॉक्ड ओवर टू द बिग फ्रिज। मोहित बड़े फ्रिज के पास गया। दैट वॉज फिल्ड विथ आइस एंड सोडाज, जो बर्फ और सोडा से भरा हुआ था या जिसमें बर्फ और सोडा भरा था। सुनीत वॉक्ड ओवर टू द कैंडी बार सेक्शन। सुनीत वॉक्ड माने गया, ओवर समीप टू द कैंडी बार, कैंडी बार सेक्शन माने भाग होता है, अनुभाग होता है। सुनीत वॉक्ड ओवर टू द कैंडी बार सेक्शन। सुनीत कैंडी बार के अनुभाग की ओर टहलने लगा। देखिए डबल इंडेंटेड कॉमा में है, मिस्टर छाबड़ा यू डू नॉट हैव एनी ऑरेंज सोडा मोहित सेड। देखिए मिस्टर छाबड़ा, श्री छाबड़ा, यू माने आप, डू नॉट नहीं, हैव रखना, एनी माने कोई, ऑरेंज सोडा माने संतरा वाला। मिस्टर छाबड़ा यू डू नॉट हैव एनी ऑरेंज सोडा मोहित सेड। मोहित ने कहा, मिस्टर छाबड़ा, श्री छाबड़ा जी, यू डू नॉट हैव एनी ऑरेंज सोडा, क्या आपके पास संतरे वाला कोई सोडा नहीं है? या श्री छाबड़ा जी, क्या आप संतरे वाला सोडा नहीं रखते हैं? यस आई डू, जस्ट डिग ए लिटिल यू विल फाइंड वन। क्या करें? यस, हाँ, आई डू, आई माने मैं, डू माने रखना, यस आई डू, हाँ मेरे पास है, जस्ट जरा या ठीक, डिग, डिग माने यहाँ होता है ढूंढना, ए लिटिल माने थोड़ा सा, जस्ट डिग ए लिटिल, थोड़ा ढूंढो, यू विल फाइंड वन, यू तुम विल गागेगी, फाइंड पा लेना, वन एक, यू विल फाइंड वन, तुम्हें एक मिल जाएगा, या यू विल फाइंड वन, तुमको वह मिल जाएगा। मोहित डग फॉर ए मिनट, मोहित डग माने ढूंढा, फॉर ए मिनट माने एक मिनट तक या कुछ क्षण। मोहित डग फॉर ए मिनट, मोहित एक मिनट ढूंढा और फिर कराए, आई स्टिल कैन नॉट फाइंड वन, आई मैं स्टिल अब भी कैन सकना, नॉट नहीं, फाइंड माने प्राप्त करना, वन यानी ऑरेंज सोडा की तरफ है। आई स्टिल कैन नॉट फाइंड वन, मुझे अभी तक एक भी नहीं मिला। आर यू ब्लाइंड, आई शैल बी राइट देयर। देखिए आप प्रश्नवाचक है, क्या यू माने तुम, ब्लाइंड माने अंधे, आई मैं शैल गागेगी, बी माने होना, राइट माने उचित, देयर माने होना। आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो, आई शैल बी राइट देयर, मैं वहाँ हूँ या मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो इस तरह से यह पैराग्राफ हुआ। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज़, अगर आपको लेसन का समरी याद रहेगा, अगर आपको पूरा लेसन का अर्थ समझ में आ गया, तो जो कुछ भी प्रश्न आपके बुक से पूछे जाएंगे, वह सारे प्रश्न आप आराम से हल कर लेंगे। लेकिन आपको प्राथमिकता देनी चाहिए कि आपको उस लेसन का पूरा अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। अगर अर्थ आपके समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने में आसानी होगी। अन्यथा की स्थिति में अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको प्रश्न लिखने और समझने में परेशानी होगी। तो आपको प्रायोरिटी क्या देनी चाहिए, आपको प्राथमिकता क्या देनी चाहिए कि आपको पूरे लेसन का अर्थ बखूबी, बिल्कुल सुस्पष्ट, अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। आइए अब अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। मिस्टर छाबड़ा स्टार्टेड डिगिंग थ्रू द आइस। मिस्टर छाबड़ा, श्री छाबड़ा स्टार्टेड, शुरू कर दिए, डिगिंग सर्चिंग ढूंढना, थ्रू द आइस माने बर्फ में। मिस्टर छाबड़ा स्टार्टेड डिगिंग थ्रू द आइस। श्री छाबड़ा बर्फ में इसे ढूंढना शुरू कर दिए। सुमित इमीडिएटली पुट टू कैंडी बार्स इनटू हिज ट्राउजर्स बैगी पॉकेट्स।
देखिए सुमित इमेडिएटली शीघ्र ही तुरंत, पुट माने डाल लिया या रख लिया, टू माने दो, कैंडी बार्स कैंडी बार्ड, इनटू माने में, हिज माने अपने, ट्राउजर्स माने पाजामे या पैंट के, बैगी माने ढीले ढाले, पॉकेट्स माने डीप में। सुमित इमेडिएटली पुट टू कैंडी बार्स इनटू हिज ट्राउजर्स बैगी पॉकेट्स। सुमित जल्दी से दो कैंडी बार अपनी ढीली पैंट की जेब में रख लिया। ही पैटेड द पॉकेट्स डाउन ए लिटिल बिट, ही माने वह पैटेड माने थपथपाया द पॉकेट्स जेब को डाउन नीचे ए लिटिल थोड़ा बिट माने ए लिटिल बिट थोड़ा सा। ही पैटेड द पॉकेट्स डाउन ए लिटिल बिट, वह यानी सुनीत अपनी जेब को थोड़ा सा नीचे थपथपाया। फिर से देख लीजिए, मिस्टर छाबड़ा स्टार्टेड डिगिंग थ्रू द आइस, मिस्टर श्री छाबड़ा बर्फ में ढूंढने लगे। सुनीत इमेडिएटली पुट टू कैंडी बार इनटू हिज ट्राउजर्स बैगी पॉकेट। सुनीत शीघ्रता से दो कैंडी बार अपनी ढीली पैंट की जेब में रख लिया। ही पैटेड द पॉकेट्स डाउन ए लिटिल बिट, और अपने जेब को थोड़ा सा नीचे थपथपाया। आगे देखते हैं, लुक लुक माने देखना, ऑरेंज सोडा माने संतरा वाला सोडा, लू देखो ऑरेंज सोडा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये है ऑरेंज वाला या संतरे वाला सोडा। व्हाट डिड आई टेल यू, व्हाट क्या डिड आई मैं टेल माने कहा, यू माने तुमको, व्हाट डिड आई टेल यू मैंने तुमसे क्या कहा था। थैंक यू सर मोहित सेठ, थैंक यू माने आपका धन्यवाद सर श्रीमान जी, मोहित सेठ माने कहा, मोहित सेठ मोहित ने कहा, क्या कहा, थैंक यू सर धन्यवाद श्रीमान जी, या श्रीमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पा लिया। तो इस तरह से यहाँ तक कि पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा। मैं आशा करता हूँ कि यह इसका एक्सप्लेन, इसका भावार्थ, इसका अर्थ आपके समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की विषय से रिलेटेड कोई समस्या है तो वह अपनी समस्या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकता है, उसके समस्या का निवारण हर हाल में किया जाएगा। लेकिन हमारा आपसे यही सुझाव है, सलाह है कि लगातार आप लोग वीडियो देखते रहिए, लगातार आप वर्क भेजते रहिए। अगर कहीं कोई क्वेश्चन है आपके मन में, कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप बेहिचक व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल सब्जेक्ट टीचर के पास आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। धन्यवाद।